नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? मैं आपका अपना श्रवण सीएलसीसी कर से। आप दोस्तों इस समय जिला स्तरीय प्रतिभा खोज प्रतियोगिता एग्जाम जो 27 फरवरी को आज आपने 12 से 2 के बीच राजस्थान के 270 परीक्षा केंद्रों पे दी है, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। और आप अब उस पेपर का देख रहे हैं वीडियो सॉल्यूशन सीएलसीसी के यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पे। क्यों, सही कह रहा हूं? बोलो, पेपर कैसा रहा? मजा आया? देखो, ओमआर सीट मिली है ना, एक इतना सुंदर सा पेपर आपके पास आया, ऑब्जेक्टिव एग्जाम आपने पहली बार दी। एक बात ध्यान चाहूं बच्चों, गार्जियंस आप भी इसको देख रहे हैं, सुने, ये एग्जाम केवल स्कॉलरशिप का मकसद नहीं होता हमारा। इस एग्जाम का मकसद केवल स्कॉलरशिप नहीं है, केवल एडमिशन नहीं है। इस एग्जाम का मकसद है कि 5वीं, 6वीं, 7वीं में ही बच्चे को बता दिया जाए कि ओमआर सीट क्या होती है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम क्या होती है, कि साहब नीट और जेई या कोई भी एग्जाम देना, कॉम्पिटिटिव करीब करीब एग्जाम्स आजकल कहाँ होती है, ओमआर पे होती हैं। तो आप सोचो कि एक 5वीं क्लास का बेटा बेटी आज ओमआर को भर रहा है, हो सकता है उसे गलतियां हो गई होंगी, हो सकता है एग्जाम को ढंग से नहीं दे पाया होगा, फिर भी उसने एक कदम बढ़ाया अपने अच्छे भविष्य की तरफ। तो ये वीडियो सॉल्यूशन आप देख रहे हैं, हर क्लास का अलग अलग वीडियो सॉल्यूशन है। पूरा वीडियो सॉल्यूशन देखें, आपको किसी भी प्रश्न में लगता है कि हमने सॉल्यूशन गलत दे दिया या कि गलत है, तो प्लीज आप अपना नाम, अपनी क्लास, अपना रोल नंबर, क्वेश्चन नंबर लिख के मेरे इस नंबर पे 9928738888 व्हाट्सएप कर दें। आप लोग बोलो हाँ या ना, और 27 तारीख की रात को 9 बजे इस पेपर की आंसर शीट भी आपके पास आ जाएगी। इस पेपर की आंसर शीट भी आज 27 फरवरी को ही रात को 9 बजे हमारी साइट पे, साइट कौन सी, dtac.clcparivar.in, यानी इस एग्जाम की जो भी हिस्ट्री है वो सारी यहीं रहेगी। अब फिर से एक बार स्लाइड देख लें, dtac.clcparivar.in। ओके, एग्जाम हो गई, वीडियो सॉल्यूशन देख लिया, डाउट खत्म हो गए, आंसर मिला लिए, नंबर जोड़ लिए। ओके डियर, रिजल्ट कब आएगा? ध्यान, आपको रिजल्ट आएगा 3 मार्च को शाम को 5 बजे। हाँ, वो इस साइट पे जाओ, देखो आप साइट पे जाओगे, ये रिजल्ट की साइट खुलेगी 3 तारीख को 5 बजे। देखो ये रहा, अपना रोल नंबर फीड करो, अपना मोबाइल नंबर फीड करो। अब पुरस्कार कब दिए जाएंगे, लो लिस्ट पड़ी। वैसे आपको पता है, आपके पेपर के लास्ट पेज पे देखा होगा ना, ये किस जिले में हम लोग कब आ रहे हैं, बाकी स्लाइड भी देख लो आप हमारी साइड पे। हाँ, सीकर, चूरू, झुंझुनू, अजमेर, राजसमंद की डेट्स हम होली के बाद देंगे, क्योंकि आपको पता 5 मार्च से लेके 16 मार्च तक लगातार मैं फंक्शन कर रहा हूँ। हाँ, मैं खुद आ रहा हूँ सर, बिल्कुल 29 के 29 जिले में खुद कवर करने आऊंगा। नो डाउट लोड रहेगा, भागदौड़ रहेगी, लेकिन दोस्तों झोंपड़ी में बैठी खोपड़ियों को आगे बढ़ाना, प्रतिभाओं को तलाश कर आगे लेके जाना, मेरे जैसे बहुत से और भी श्रवण गांव में बैठे होंगे, मेरे जैसे बहुत से श्रवण को श्रवण सीएलसी तक के मुकाम पे पहुंचाने का अभियान आखिरी सांस तक रहेगा मेरा। सीएलसी बाई चांस नहीं है साहब। आज के 26 साल पहले जब सीकर में मैंने कोचिंग स्टार्ट किया था, माफी चाहता हूँ, गलत शब्द काम ले रहा हूँ, अपने आप में कैरियर का सुसाइड केस था ये। आज तो लोग नकल करते हैं यहाँ, आज तो चलते हुए बाजार में कोई भी अपने ठेला लगा लेता है, लेकिन हमने सीकर की जमीन पे एक बीज बोया, उस बीज की खुशबू है कि आज हजारों हजारों बेटा बेटी हर साल सीएलसी के माध्यम से मेडिकल में जाता, आईटी में जाता, एनआईटी में जाता है। सीएलसी ना किसी की होड़ में बनी, ना किसी को तोड़ के बनी, सीएलसी मूल बीज है, एक विचार बीज है जो जमीन फोड़ के बनी। और इसीलिए दोस्तों आज 270 गार्जियंस, आप सोच के देखो, राजस्थान के 29 जिले 270 सेंटर पे एक टाइम एग्जाम पेपर की क्वालिटी आपके सामने है, अल्टीमेट पेपर, उसका रिजल्ट कब आएगा, आप वीडियो सॉल्यूशन देख रहे हैं, आप की देख रहे हैं, उसके बाद फंक्शन, और हर जिले पर आकर। ऐसा नहीं कि एग्जाम काली फिर मैं आओ सीकर आ जाओ हमारे पुरस्कार लेने, क्यों भाई सीकर क्यों आओ, सीकर तो बाद की बात है, आपके जिले पर आकर आपका पुरस्कार वितरण किया जाएगा। डेट और टाइम आप जरूर प्लीज वॉच कर ले। हाँ, पुरस्कार वितरण समारोह में सभी मेरे अपने सादर आमंत्रित हैं, जिन बच्चों ने एग्जाम दी है उनको तो आना ही आना है, अन्य बच्चे भी, मोटिवेशनल सेमिनार भी होगा हमारा वहां, उसको सुनना भी आप आना चाहें तो आप आ सकते हैं। वैसे इस कोरोना के टाइम में मेरे शाम के लाइव सेशन से बहुत से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मेरे अपने जुड़े हुए हैं, आपको ध्यान है ना, मैं डेली शाम को 6:30 बजे सीएलसीसी कर फेसबुक पेज, सीएलसीसी कर यूट्यूब चैनल और श्रवण सीएलसी मेरे जो पेज है उन सब पे 6:30 लाइव आता हूँ। आज मुझे बहुत अच्छा लगा, आज लेटेस्ट वीडियो से पहले ही हमारे भरतपुर के दो बहुत ही गांव के सिंपल से किसान भाई आए, उन्होंने कहा चौधरी साहब हम आपका लाइव देखते तो सिर्फ मेरे आंखों पानी आ गया। उस दिन पता लगा कि दोस्तों हकीकत ये है, भगवान कृष्ण की बात आज बहुत अच्छी लगी कि यदि कर्म को मन से किया जाए तो
तो फल की इच्छा करने की कहीं आवश्यकता नहीं है, फल भगवान अपने आप देता है जो दे रहा सीएलसी को। ओके, वापस पॉइंट पे आते हैं। ठीक है डियर, तो एग्जाम होगी, वीडियो सोल्यूशन देख लिया कि आ गई, 5 मार्च से 16 मार्च तक आपको फंक्शन में आना है। हाँ भाई, फंक्शन में आने के लिए, पुरस्कार के लिए आपको अपने एडमिट कार्ड, प्रवेश पत्र की कॉपी साथ लानी होगी। और एक बात निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप फंक्शन में नहीं आ पाए तो फिर पुरस्कार देने के लिए संस्था की व्यवसायिक जिम्मेदारी नहीं है, फ्रेंडली जिम्मेदारी फिर भी हमारी है। हाँ, सीकर कभी आओगे तो दे दिया जाएगा। आप सोचो कि उदयपुर फंक्शन था, मैं वापस उदयपुर पुरस्कार देने आऊंगा, संभव नहीं हो सकता। हाँ, सीकर आने के बाद आप पुरस्कार बाद में दे सकते हैं। मैं बहुत गहरी बात कह रहा हूं, फंक्शन जिस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में फंक्शन पे आपको पुरस्कार लेना है तो प्लीज खुद आना पड़ेगा, एडमिट कार्ड साथ लाना होगा, और नगद पुरस्कार के लिए आपको अपना आधार कार्ड भी साथ लाना होगा। और इसके अलावा मैं इस वीडियो से सब अपनों से अपील करता हूं, जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, जो जीतना जानते हैं दोस्तों, जो जीना जानते हैं, रो काम सिखाती है सीएलसी, सीएलसी जीतना सिखाती है, जीना सिखाती है, ये सुनना देखना है तो आपका अपना श्रवण आपके खुद के जिले में आ रहा है आपसे बात करने के लिए। हर दिन सुबह शाम दोनों टाइम मीटिंग्स, लोड रहेगा पर फिर भी एक जुनून है, फिर किसी झोंपड़ी में बैठी खोपड़ी को आई टीम भेजना है, फिर किसी एक सामान्य से परिवार के बच्चे को दिल्ली एम्स भेजना है। साहब सपने बड़े हैं तो काम तो करना ही पड़ेगा ना, सपने बड़े हैं तो जगना ही पड़ेगा ना साहब। कलाम साहब की बात साहब बहुत अच्छी लगती है कि सपने वो नहीं होते सोने के बाद आते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते हैं। और इसी सपनों को पूरा करने के लिए हम जिले जिले, गांव गांव, डगर डगर घूम रहे हैं। क्योंकि माफी चाहता हूं उन लोगों के, तो बहुत रखवाले हैं जिनके घर में अर्थ भी है और गाइडलाइन भी है, श्रवण और सीएलसी तो उनके सारथी हैं, जिनके घर में ये नहीं पता आईटी मेडिकल क्या होती है, अर्थ का भी थोड़ा अभाव है, थोड़ा भाव गाइडलाइन का भी है, वो घबराए नहीं, आपके साथ आपका श्रवण है ना, आपकी सीएलसी है ना। ओके डियर, तो बहुत सारी बातें हैं, फंक्शन में आना है, किस दिन किस जिले में आपका फंक्शन है उस दिन आना है, 1.5 से 2 घंटे आपके साथ रहूंगा, बातें करेंगे। और मेरे सारे अपने, प्लीज प्लीज प्लीज, निवेदन है आपके भाई का, सारे अपने इस विजय उत्सव में, इसको नाम विजय उत्सव पर पुरस्कार वितरण समारोह बोल दो चाहे विजय उत्सव बोल दो, आप सब साधना मंत्री। ओके, थैंक यू, जय सीएलसी। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ कविता राजपूत, टीम सीएलसी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डीटीएससी पेपर 2022। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास साइंस का कुछ इस प्रकार है, ए बस ट्रेवल्स 54 किलोमीटर इन 90 मिनट्स, द स्पीड ऑफ द बस इज, यानी हमें यहाँ पे स्पीड कैलकुलेट करनी थी, तो हम जानते हैं स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहां अगर हम इस कैलकुलेशन को करते हैं तो हमारे पास जो आंसर है वो आएगा 10 मीटर पर सेकंड। आप लोग करके देखिएगा, डिस्टेंस में यहां आप रखिएगा 54 को और 90 मिनट को आप कन्वर्ट करिएगा सेकंड में, तो आप लोगों के पास आंसर आएगा। इस किलोमीटर को भी आपको चेंज करना होगा मीटर में, देन आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकंड, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर क्वेश्चन, द करेक्ट सिंबल टू रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। द करेक्ट सिंबल टू रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को रिप्रेजेंट करने का अपने को प्रतीक देखना है। तो स्पीड क्या होती है, यहां पे हम जानते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी मीटर और टाइम क्या हो जाएगा सेकंड, यानी यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू फॉर्म रियल इमेज, यानी वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसे उपयोग किया जा सकता है। तो इसका आंसर हम जानते हैं, रियल इमेज के लिए हमें प्लेन मिरर यूज करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर क्वेश्चन, रेनबो कैन बी सीन इन द स्काई, आकाश में इंद्रधनुष को देखा जा सकता है। तो देखिए इसका आंसर हमें देखना है, व्हेन द सन इज फ्रंट ऑफ यू, नहीं, इसका आंसर क्या होगा, व्हेन द सन इज बिहाइंड ऑफ यू, यानी जब सूर्य आपके पीछे होता है तब हमें क्या दिखाई पड़ता है, इंद्रधनुष। अब हम चलते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, एन इरेक्ट एंड
enlarged image can be formed by, यानी एक सीधा तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब कैसे प्राप्त हो सकता है? तो हम जानते हैं जब भी हम कॉनकेव मिरर यूज करेंगे तभी ये पॉसिबल हो पाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों, सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ टाइम, यानी टाइम के मेजरमेंट के लिए कौन सा इनमें से उपयोग नहीं किया जा सकता। तो देखिए यहाँ पे हम लिकिंग टेप यूज कर सकते हैं, सिंपल पेंडुलम यूज कर सकते हैं, शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द डे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कभी भी हम ब्लिंकिंग ऑफ आईज से ये मेजर नहीं कर सकते। चलिए तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। सेवन नंबर क्वेश्चन है, इफ वी डिनोट स्पीड बाय अस, यानी हमें क्या करना है, स्पीड को डिनोट करना है अस से, डिस्टेंस डिनोटेड बाय डी, यानी डिस्टेंस किससे डिनोट हो गई, डी से, टाइम डिनोट करना है हमें टी से, तो टाइम हो गया टी से। तो हमें देखना है कि स्पीड का यहाँ पे करेक्ट रिलेशनशिप क्या होगा। तो हम जानते हैं स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। यहाँ पे अब हम देखते हैं एट्थ नंबर क्वेश्चन, एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ लेंस इज इरेक्ट, सच एन इमेज कुड बी फॉर्म्ड बाय ए, तो हमें यह देखना है कि किसी लेंस से प्राप्त प्रतिबिंब सीधा है, इस प्रकार के प्रतिबिंब बनाए जा सकते। तो हम जानते हैं जितने भी कॉनकेव लेंस होंगे, कॉनकेव लेंस प्रोवाइडेड द इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ पे सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। नाइन नंबर क्वेश्चन, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर विल बी, यानी हमें डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला देखते हैं, 1/v = 1/v + 1/u, तो इससे हमारे पास आंसर आएगा 1 मीटर, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, बस कवर 2000 मीटर इन 200 सेकंड्स, देन फाइंड द स्पीड ऑफ बस, यानी हमें बस की स्पीड को कैलकुलेट करना है। तो बिल्कुल वही क्वेश्चन है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो यहां पे अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या रहा हमारे पास, 10 मीटर पर सेकंड, यानी फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहा। हम 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, द यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज, हमें देखना है कि वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, यानी फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर is 30 centimeter, then what will be the value of radius of curvature? जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास बच्चों आंसर आएगा 60 सेंटीमीटर, यानी फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अब हम चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस, यानी हमें देखना है कि जो भी अपने पास पोटेंशियल होगा और जो भी अपने पास रेजिस्टेंस होगा, इसका करेक्ट फॉर्मूला क्या होगा। तो हम जानते हैं V इक्वल्स टू आई आर, ओके, ये हमने ओम्स लॉ में पढ़ा था, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट वोल्टेज, यानी हमें देखना है कि कौन सा इनमें से ऑप्शन है जो वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है। तो हम जानते हैं कि वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है वर्क डन डिवाइडेड बाय करंट इनटू टाइम, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट हो गया। बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, इफ द पोटेंशियल इज 220 वोल्ट एंड करंट इज 11 एम्पियर, देन द अमाउंट ऑफ आर इज, यानी हमें आर कैलकुलेट करना है। तो आर अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 20 ओम। अब हम देखिए 16 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, द करेक्ट रिलेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला इज, यानी मिरर फॉर्मूला का हमें करेक्ट रिलेशनशिप देखना है। तो हम जानते हैं 1/v = 1
सॉरी 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू, यानी यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। तो फिजिक्स पार्ट हम लोगों ने पूरा का पूरा देख लिया, अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पोर्शन। हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, कुछ इस प्रकार है, प्योर वाटर इज। प्योर वाटर क्या होता है, क्या एक मिक्सचर होता है, कंपाउंड होता है, एक एलिमेंट होता है? तो हम जानते हैं प्योर वाटर क्या होता है, एक कंपाउंड होता है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को यहाँ पे कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए डैश डैश इज नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड व्हिच इज प्रेजेंट इन सिट्रस फ्रूट, यानी सिट्रस फ्रूट के अंदर जो एस्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट होता है उसे हम और क्या बोल सकते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, विटामिन सी, यानी यहाँ पे सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बिल्कुल सिंपल सा है, HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, तो क्या बोल दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर, यानी जो आप लोगों को ऑप्शंस दिए हुए इनमें से आप लोगों को देखना है कि कौन सा इंडिकेटर नहीं है। देखिए मिथाइल ओरेंज तो एक इंडिकेटर होता है, लिटमस भी क्या होता है, इंडिकेटर होता है, चाइना रोज क्या है, यहाँ पे इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं, लेकिन सनफ्लावर को कभी भी हम इंडिकेटर की तरह यूज नहीं करते। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चे, एकदम करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट, यानी अगर कोई भी एसिड किसी भी बेस के साथ रिएक्शन करे तो क्या फॉर्म होगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे एसिड लिखा मैंने, बेस लिखा, तो यहां से मैंने एक साल्ट फॉर्म कर दिया NaCl, और यहाँ पे देखिए क्या फॉर्म हो रहा है, H2O फॉर्म हो रहा है, यानी साल्ट प्लस वॉटर क्या होगा, फॉर्म हो जाएगा। तो साल्ट प्लस वॉटर कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसिड एंड बेस आर, यानी एसिड और बेस क्या होते हैं उनके बारे में हमें बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है कोरोजिव इन नेचर, बिल्कुल कोरोजिव होते हैं, इरिटेटिंग टू स्किन, यस बिल्कुल करेक्ट, हार्मफुल टू स्किन, हाँ करेक्ट है ये भी, तो ऑल ऑफ द अबव क्या हो गया, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिड प्लस बेस क्या फॉर्म होता है, साल्ट एंड वाटर, बिल्कुल ये दिखा रहे हैं साल्ट एंड वाटर फॉर्म हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, अभी जो स्टेटमेंट है इनमें से करेक्ट कौन सा देखना है। तो देखिए पहले तो आप ये बताइए, एसिड और बेस जब भी रिएक्शन करते हैं तो बच्चों हम लोग उसे क्या बोलते आए हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्या बोलते आए हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जहां पे भी न्यूट्रलाइजेशन दिखाई दे रहा है वो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो न्यूट्रलाइजेशन हमें कहां दिखाई दे रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में, तो बिल्कुल आसानी से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। देखिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व, यानी हीट बाहर निकलती है, हीट रिलीज होती है रिएक्शन से, हीट बाहर निकल गई, एग्जिट हो गई, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक, क्या बोलेंगे बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्या बोल दिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज वाटर फाउंड एट रूम टेम्परेचर, यानी रूम टेम्परेचर पे वाटर किस फॉर्म में होता है, तो हम सभी जानते हैं लिक्विड स्टेट में होता है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाइलॉन इज ए, नाइलॉन क्या है, तो हम जानते हैं नाइलॉन क्या होता है, एक सिंथेटिक फाइबर होता है, बिल्कुल इजी सा है, कॉटन वूल वगैरह क्या हो गए नेचुरल, लेकिन नाइलॉन क्या हो गया, सिंथेटिक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड का सोर्स कौन सा है, कहाँ से हमें लैक्टिक एसिड मिलता है, तो हम जानते हैं कर्ड जो होता है यानी दही जो होता है वहां हमें क्या मिलता है, लैक्टिक एसिड, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28th नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज प्रेजेंट इन सोप, यानी साबुन के अंदर कौन सा बेस प्रेजेंट होता है, तो हम जानते हैं NaOH जो और जो KOH होता है, क्या NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दोनों में से कोई सा भी साबुन के अंदर यूज हो सकता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ एसिटिक एसिड, बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसिटिक
एसिटिक एसिड का सोर्स पूछा है, तो एसिटिक एसिड का सोर्स होता है विनेगर, जिसे अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, सिरका। तो एसिटिक एसिड का सोर्स क्या हो गया, विनेगर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए द सॉल्यूशंस दैट डज नॉट चेंज द कलर ऑफ बोथ ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर आर नोन एज, यानी हमें देखना है कि ऐसा कोई सॉल्यूशन है जो ब्लू और रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करते हैं। तो हम जानते हैं कि कभी भी न्यूट्रल जो होता है, कभी भी जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है वो कलर चेंज नहीं करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट। देखिए 31st नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ मेथनोइक एसिड। मेथनोइक एसिड की अगर हम बात करें तो देखिए मेथनोइक एसिड है तो हमें एक कार्बन लेना होगा, मेथ है तो कार्बन कितना लेंगे हम, 1, और उसके बाद में हम उस केमिकल फॉर्मूले को ड्रॉ करेंगे। देखिए ये हमने नेम लिखा, इसकी वैलेंसी को पूरा करने के लिए मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दिया। तो ये देखिए HCOOH, यानी ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो गया, और यही क्या होता है, मेथनोइक एसिड होता है, और इसी का नाम क्या होता है प्यारे बच्चों, फॉर्मिक एसिड नाम होता है इसका। क्या नाम होता है इसका, फॉर्मिक एसिड। तो ये जो ऑप्शन आप लोगों को कहीं पे भी दिखे तो उसे टिक करना था। तो ये फर्स्ट ऑप्शन था और फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यही क्या है, मेथनोइक एसिड है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है 32 नंबर, डाइजेशन ऑफ फूड इज एन एग्जांपल ऑफ। ये जैसा क्वेश्चन है, डाइजेशन ऑफ फूड क्या होता है, फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज। तो हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपली केमिकल चेंज, यानी फर्स्ट ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अब हम चलते हैं केमिस्ट्री के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, 33 नंबर क्वेश्चन है। देखिए रिएक्शन आप लोगों को दिखाई दे रही है, यहाँ पे देखिए C+S एंड हीट यहाँ पे इस रिएक्शन में एब्सॉर्ब हुई है। तो हीट एब्सॉर्ब होती है तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, एंडोथर्मिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। तो ये रिएक्शन हो गई एंडोथर्मिक, तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया बिल्कुल करेक्ट। अब देखिए ये कार्बन और सल्फर कंबाइन हो रहे हैं, कंबाइन होके अलग प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो कंबाइन होना यानी रिएक्शन कौन सी हो गई, कॉम्बिनेशन, यानी यहाँ पे ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, बोथ 1 and 3। द रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस आर, यानी फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल क्या रिक्वायर्ड होता है, तो हमें ये बताना था। तो हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल जो होता है वो होता है CO2 एंड H2O, यानी यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 35 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू स्पेरोट्रॉप्स, यानी हमें यहाँ देखना था कि जितने भी मृतोपजीवी होते हैं वो किससे संबंध रखते हैं। तो हम जानते हैं जितने भी फंजाई होते हैं वो सारे क्या होंगे, यहाँ पे मृतोपजीवी होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 36 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट, यानी इंसेक्ट को खाने वाले जो प्लांट हैं वो कौन से होते हैं। तो हम जानते हैं, देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है पीचर प्लांट, सेकेंड है इंडियन टेलीग्राफ प्लांट, 4 o'clock प्लांट, कस्क्यूटा। हम जानते हैं पीचर प्लांट जो होगा वो क्या होगा, एक कीटाहारी पादप होगा, यानी इंसेक्ट को खाने वाला होगा। अब हम चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ, देखिए बाइल इज प्रोड्यूस्ड इन, यानी हमें देखना है कि जो बाइल का फॉर्मेशन होता है, यानी पित्त का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है। तो देखिए स्टोमक, लीवर, ब्लड, लीवर एंड स्प्लीन। तो हम जानते हैं कि जो बाइल होता है वो लीवर में फॉर्म होता है, यानी यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन, द मेन फंक्शन ऑफ लैक्टिल्स ऑफ इंटेस्टाइन इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ, यानी आंत के जितने भी लैक्टियल होते हैं उनका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है। तो हम सभी जानते हैं फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल क्या होगा, इनका मेन फंक्शन होगा, इनका अवशोषण होता है, इनका एब्जॉर्प्शन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल का एब्जॉर्प्शन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 39 नंबर क्वेश्चन है, द एसिड
प्रेजेंट इन द स्टोमक, यानी आमाशय में अम्ल उपस्थित होता है, आमाशय में अम्ल उपस्थित होता है, तो इसका हमें आंसर देखना है करेक्ट क्या होगा. किल्स द हार्मफुल बैक्टीरियल दैट में एंटर अलोंग विद द फूड, या प्रोटेक्ट द स्टोमक लीनिंग फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंसेस. तो हम यहाँ पे देखते हैं कि आमाशय में जो एसिड प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, किल करता है द हार्मफुल बैक्टीरिया को. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. अब हम चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ. देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है, इंजेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्रोसेस ऑफ, यानी हमें देखना है कि जो इंजेशन होता है वो किस क्रिया का पहला पद होता है, यानी कौन सी इसमें जो प्रोसेस है उसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है. इंजेशन होता है तो हम जानते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन में फर्स्ट स्टेप क्या होता है बच्चों, इंजेशन होता है. यानी यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया. अब हम चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ. तो देखिए द कोल्डेस्ट रीजन ऑन अर्थ, यानी पृथ्वी का सबसे ठंडा क्षेत्र हमें देखना है. तो हम जानते हैं कि जितना भी पोलर रीजन होगा वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कोल्डेस्ट हो जाएगा. देखिए 42 नंबर क्वेश्चन, ए साइक्लोन इज, यानी चक्रवात क्या होता है. साइक्लोन इस, तो देखिए हमें पता है कि जो भी साइक्लोन आता है वो किस वजह से आता है, जो प्रेशर में डिक्रीज और इंक्रीज होता है, यानी जब भी कभी प्रेशर का जो सिस्टम होता है, प्रेशर का जो सिस्टम होता है वो क्या हो जाए, बिल्कुल डिक्रीज हो जाए, तो क्या होता है, साइक्लोन आता है. तो वेरी लो प्रेशर सिस्टम, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, वेरी लो प्रेशर सिस्टम विद वेरी हाई स्पीड वाइंड रिवॉल्विंग अराउंड इट, यानी 42 में फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया. अब हम बात 43 नंबर क्वेश्चन है. देखिए यीस्ट इज यूज्ड इन वाइन एंड बियर इंडस्ट्रीज बिकॉज इट रेस्पायर्स, यानी हमें देखना है कि यीस्ट का उपयोग शराब बियर उद्योग में किया जाता है क्योंकि यह श्वसन करती है. तो हम सभी जानते हैं यहाँ पे एनएरोबिक क्या होगा, यहाँ पे एनएरोबिक रेस्पायरेशन होगा जिससे अल्कोहल क्या होता है बच्चों, प्रोड्यूस होता है. यानी यहाँ पे थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. अब हम चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ. तो देखिए 44 नंबर क्वेश्चन को जिस प्रकार है, आफ्टर हैवी एक्सरसाइज ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ विस सब्सटेंस वी गेट मसल क्रैम्प्स, यानी भारी व्यायाम के बाद किस पदार्थ के संचयन के कारण हमारी मांसपेशियों में ऐंठन होता है, यानी कैसे हमारे मांसपेशियों में दर्द होता है. तो हम जानते हैं कि वहाँ पे क्या होता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है जिस वजह से वो पेन होता है हैवी एक्सरसाइज के बाद, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है. अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. 45 नंबर क्वेश्चन है. देखिए मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे है इंसेक्ट, उसके बाद में है फ्रॉग, फिश एंड मैमल्स. तो देखिए हमें यहाँ पे मैच करना था. तो हम जानते हैं कि यहाँ पे इंसेक्ट में आंसर क्या आएगा, स्पाइरकल्स आएगा. फ्रॉग, फ्रॉग हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है फ्रॉग, जिसका आंसर क्या होगा, गिल्स, लंग्स, स्किन, यानी रेस्पिरेशन को इंडिकेट कर रहा है. उसके बाद में हम देखते हैं मैमल्स, सॉरी फिश, फिश यहाँ पे गिल्स से रेस्पिरेशन करती है. देन हम देखते हैं मैमल्स, तो हम जानते हैं कि जितने भी मैमल्स होते हैं वो रेस्पिरेशन लंग से करते हैं. तो अगर हम इसे मैच करें तो फर्स्ट में आंसर आ गया सेकंड. तो देखिए फर्स्ट का सेकंड ये रहा, और फ्रॉग सेकंड का आंसर हो गया फर्स्ट, फिश का आंसर हो गया गिल, और मैमल्स का आंसर हो गया लंग्स. यानी यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. ये रेस्पिरेशन से रिलेट था. अब हम चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की तरफ. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ WBC, यानी हमें WBC का फंक्शन देखना था. देखिए WBC क्या करती है, WBC क्या करेगी, यहाँ पे फाइट अगेंस्ट जर्म्स, यानी जर्म्स के अगेंस्ट WBC क्या करती है बच्चों, वर्क करती है. ये हम सभी जानते हैं कि WBC का काम ही फाइट होता है. यानी यहाँ पे सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट. अब चलिए हम चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ. इन ए टॉल ट्री विच फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पुलिंग वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, यानी एक ऊंचे वृक्ष में मृदा से जल खनिज लवणों को ऊपर की ओर खींचने के लिए कौन सा बल उत्तरदायी होता है. तो ये तो हम जानते हैं कि सक्शन फोर्स क्या होता है, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है. तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है बच्चों, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है. अब हम चलते हैं
48 नंबर क्वेश्चन की तरफ। जो 48 नंबर क्वेश्चन है, पॉलिनेशन रेफर्स टू द, यानी जो परागण होता है उसके रेफरेंस में हमें एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। देखिए, क्या पॉलिनेशन के रेफरेंस में ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? तो हम देख रहे हैं कि ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू ओवरी, नहीं, बिल्कुल रॉन्ग है। आगे हम चलते हैं, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट फ्रॉम एंथर स्टिग्मा, नहीं, ये भी क्या है, रॉन्ग है। आगे हम बढ़ते हैं, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यानी यहाँ पे 48 का थर्ड ऑप्शन बच्चों क्या हो जाता है, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अब हम चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ ए फूड चेन इन प्रॉपर सीक्वेंस, यानी प्रॉपर सीक्वेंस में आपको फूड चेन को अरेंज करना है। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर है, देखिए ग्रास, तो हमें पता है सबसे पहले फूड चेन में हमने ग्रास को अरेंज कर लिया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ग्रास को कौन खाएगा, फ्रॉग, ईगल, इंसेक्ट या स्नेक। तो यहाँ पे ग्रास, ग्रास के बाद में क्या ऑप्शन होगा, इंसेक्ट, क्या होगा, इंसेक्ट। इंसेक्ट के आफ्टर हम देखते हैं कौन आएगा, फ्रॉग, फूड चेन में फ्रॉग, फ्रॉग के बाद कौन आएगा, स्नेक, और सबसे लास्ट कौन आएगा, ईगल। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ग्रास, इंसेक्ट, फ्रॉग, स्नेक एंड ईगल। लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन, स्लज इन सेपरेट टैंक इज डीकम्पोज टू गेट बायोगैस बाय, देखिए बायोगैस का फॉर्मेशन कैसे होता है, स्लज इन सेपरेट, बताइए बच्चों, स्लज इन सेपरेट टैंक्स इज डीकम्पोज टू गेट बायोगैस बाय, यीस्ट, एरोबिक बैक्टीरिया, एनएरोबिक बैक्टीरिया या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एनएरोबिक बैक्टीरिया, यानी थर्ड ऑप्शन इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को सारे के सारे आंसर समझ में आ गए होंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ एरी व्यास, टीम मैथ्स, एंड वेलकम टू द ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन ऑफ डीटीएससी 2022 फॉर द क्लास 7। क्वेश्चन नंबर 51 आपका था मैथ्स का, जब दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाए तो हमें प्राप्त होता है, जब दो नेगेटिव इंटीजर्स को आप जोड़ोगे तो नेगेटिव इंटीजर प्लस नेगेटिव इंटीजर को आप ऐड करोगे तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव इंटीजर ही मिलेगा। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका सेकंड, एक ऋणात्मक पूर्णांक और नेगेटिव इंटीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 52, तीन ऋणात्मक संख्याओं का गुणनफल है। अब देखो तीन नेगेटिव नंबर्स को क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। तो देखो नेगेटिव साइन आ रहा आपका थ्री टाइम, इवन नंबर टाइम होता है तो पॉजिटिव हो जाता है, ओड नंबर ऑफ टाइम्स होगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव ही रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, एक ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, -1 -1 मल्टीप्लाई -1 कितनी बार है, 2m+1। 2m+1 का मतलब क्या होता है, विषम, ओड टाइम्स है। तो अभी अभी बताया कि माइनस अगर ओड टाइम है तो उसका रिजल्ट भी माइनस ही रहेगा। ठीक है, तो नेगेटिव साइन तो आ गया आपके पास में, अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते जाओगे तो आंसर क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। 1 को कितनी बार भी 1 से मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, -1, ऑप्शन नंबर 2। फिर है 54, -50 डिवाइड करना है x से तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो -50 डिवाइड बाई एक्स है इक्वल्स टू 1 है, 1 के इधर ये चला जाएगा एक्स, तो -50 इज इक्वल्स टू एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, -50, ऑप्शन नंबर 3। पूर्णांकों के लिए गुणात्मक तत्समक है, यानी कि मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी यानी कि कौन से नंबर को, कि कोई एक नंबर है उसको आप किस से मल्टीप्लाई करोगे कि वही नंबर आपके पास में आ जाए। तो मल्टीप्लीकेशन में मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी होती है 1, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। फिर है 56, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचित भिन्न है, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपको पूछता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, जो अंश होगा वो उसके हर से बड़ा होगा। तो देखो यहाँ पर ये छोटा है हर से,
ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, तो बड़ा कौन हुआ? ऑप्शन नंबर फोर। तो ये क्या हो जाएगा आपका? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या फिर एक अनुचित भिन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 150 ग्राम बराबर है 150 ग्राम। देखो किलोग्राम में पूछ रहा है, तो किलोग्राम ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए आप डिवाइड करते हो 1000 से, तो ये कितना हो जाएगा? 0.150 किलोग्राम। तो 0.15 किलोग्राम, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जीरो है ना लास्ट में, तो इसको आप क्या कह सकते हो? 0.15 केजी भी कह सकते हो। पॉइंट के बाद में, किसी नंबर के बाद में जीरो जीरो आ रहा है, तो उन जीरो को आप यहां से एलिमिनेट कर सकते हो, तो क्या रह जाएगा? 0.15 केजी। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। फिर है नेक्स्ट, हाउ मच लेस इज 10 किलोमीटर देन 30.6, यानी कि 30.6 से 10 किलोमीटर कितना कम है? तो माइनस कर दो, डिफरेंस आ जाएगा, ये हो गया 6, 30 में से 10 गए, कितने बच गए? 20.6 किलोमीटर का यहां पर डिफरेंस रहेगा, ऑप्शन नंबर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, बंटन का बहुलक आपको बताना है, मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। मोड का मतलब हो गया कि, यानी कि ऐसा नंबर जो उस डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा हो, ज्यादा बार आ रहा हो। अब देखो 3 कितनी बार आ रहा है? 1, 2, तो 3 आया कितनी बार? 2 टाइम। 5 का चेक करो, 5 वन टाइम है, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि अभी तक 3 है। 7 भी एक ही बार है, तो ये भी नहीं होगा। 4 देखो, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, तो अभी 4 आ रहा है, 3 टाइम, तो सबसे ज्यादा बार कौन हो रहा है? 4। अभी तक के लिए मोड कौन होगा? 4 होगा। फिर 2 और 1 एक एक बार है, तो ये नहीं होगी। तो सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है यहाँ पर? 4। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, इसका बहुलक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, एक सिक्का उछाला जाता है, ठीक है, अ कॉइन इज टॉस्ड, चित आने की क्या प्रायिकता है? चित का मतलब हो गया हेड आने की प्रॉब्लम। देखो तो एक सिक्के को उछालोगे, या तो हेड आएगा या फिर टेल आ जाएगा। ये तो हो गया अपना सिंपल स्पेस या फिर टोटल आउटकम्स जिसको हम कहते हैं। अब यहां से अपने को क्या चाहिए? चित चाहिए। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो फेवरेबल देखो, हेड आने के लिए एक ही है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए? 2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/2। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उचित भिन्न का व्युत्क्रम है, यानी कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे मैंने लिख दिया 2/3 प्रॉपर है, तो इसका क्या लिखोगे आप? व्युत्क्रम, इनवर्स लिखना है, रेसिप्रोकल लिखना है। तो रेसिप्रोकल इसको लिखोगे तो कितना आ जाएगा? 3/2। तो हमेशा ये बात ध्यान रखने लायक है कि प्रॉपर का करोगे तो इम्प्रॉपर आएगा और इम्प्रॉपर का करोगे तो प्रॉपर आएगा। तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो एक उचित भिन्न का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? एक अनुचित भिन्न, ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए आंकड़ों का माध्य है? अब देखो मीन के बारे में पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीन ऑफ द गिवन डेटा। मीन क्या होता है? मीन आपके पास में होता है, मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो देखो आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके आंकड़ों का मध्य मान, तो ये आपका होता है मीडियन के लिए, माध्यिका के लिए। सबसे अधिक बार होने वाले अवलोकन का मान, द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन अकरिंग मोस्ट फ्रिक्वेंटली, तो वो होता है आपका मोड, ये मोड हो गया, और ये माध्यिका मीडियन हो गई, और मानों की कुल संख्या से, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मानों की कुल संख्या से विभाजित आंकड़ों के सभी मानों का योग। तो आंकड़ों के सभी मानों का योग का अपन क्या करते हैं? आंकड़ों के सभी कुल संख्या से उसको विभाजित करा जाता है। तो उसका मीन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ द डेटा डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। फिर है नेक्स्ट 63, जब दो पासे फेंके जाए तो परिणामों की संख्या होगी। एक पासे को फेंकने पर आउटकम्स कितने होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। दूसरी बार फेंकोगे तो भी यही आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अब यहां पर देखो, अब यहां पर ये नहीं है कि इन दोनों को सम कर दोगे तो 12 उसका आंसर आ जाएगा, तो ये तो क्या हो जाता है? गलत। तो अब दो पासे को आप एक साथ फेंक रहे हो, है ना, तो दो पासों को एक साथ फेंकोगे तो सपोज कि भाई एक के साथ में पहले पासे पर एक आ गया तो दूसरे पासे पर भी एक आ सकता है, या एक के साथ में 2 आ सकता है, या एक के साथ में 3 आ सकता है, ऐसे ही एक के साथ में 6 तक आप जा सकते हो। सिमिलरली 2 के लिए आप पेयर बनाओगे, 3 के लिए बनाओगे, तो ऐसे करते करते आपके पास में कितने आ जाएंगे? 36 आउटकम आपके पास में आ जाएंगे कुल परिणामों की
संख्या। अब ये कैसे करते हैं देखो, फॉर्मूला चलता है सीधा सीधा 2 to the power n, ये नहीं, इसके लिए हो जाएगा 6 to the power n। अब पासा है तो पासा देखो, एक बार फेंकोगे तो 6 आएंगे, दो बार फेंकोगे तो उसकी 6 की पावर 2 कर दो, 3 बार फेंकोगे 6 की पावर 3 कर दो, यानी कि सेम इवेंट बार बार में हो रहा है तो उसकी पावर आप बढ़ाते चलो जितनी बार हो रहा है। तो एक बार फेंकने पर 6 आते हैं और पासे को कितनी बार फेंका जाता है, 2 बार, तो उसकी पावर कितनी हो जाएगी, तो 6 to the power 2 इज इक्वल टू 36, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। फिर है नेक्स्ट, किसी पूर्णांक का निरपेक्ष मान उस संख्या की दूरी के बराबर होता है जो संख्या रेखा पर है। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ दैट नंबर ऑन द नंबर लाइन फ्रॉम। अब एब्सोल्यूट वैल्यू है तो वो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 0 से वहां पर चेक करी जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। संख्या रेखा पर जो दूरी है उसकी दूरी के बारे में पूछ रहा है ना, डिस्टेंस ऑफ दैट नंबर ऑन द नंबर लाइन, तो डिस्टेंस कहां से चेक करते हैं अपन, 0 से चेक करते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। मिश्रित भिन्न के रूप में, अब एक आपके पास में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 33/4, इसको आपको क्या करना है, मिश्रित भिन्न में लिखना है, मिक्स फ्रैक्शन में, तो 4 से आप डिवाइड करोगे 32 को, कितनी बार जाएगा, 8 टाइम हो जाएगा 32, रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 1, तो आंसर क्या हो जाएगा, 8 with 1/4, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 66, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ अ पेपर, एक कागज की आयताकार शीट की लंबाई कितनी है, 3/5 cm, तो लेंथ इक्वल्स टू 3/5 cm और ब्रेथ आपको दे दी इसकी चौड़ाई 2/5 cm। इसकी परिधि पूछी है, परिधि का मतलब भी क्या होता है, पेरीमीटर पूछा है, तो पेरीमीटर देखो रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 × लेंथ + ब्रेथ, तो 2 × लेंथ हो गई 3/5, ब्रेथ हो गई आपकी 2/5, तो 2 × हो गया 3 + 2, 5/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 1 बच गया, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 2 cm, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 1/3 का 1/4, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 1/4 ऑफ 5/1/3, तो ये इसका आंसर पूछना है, तो 5 3 8 5 3 15 15 + 1 कितना हो गया, 16/3 मल्टीप्लाई 1/4 है, 4 से 16 चला जाएगा 4 टाइम, तो ये रह गया 4/3, आंसर हो जाएगा 4/3, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, डिवाइड करना है तो 1/3 डिवाइड बाई 5/3, तो ये 1/3 डिवाइड का मल्टीप्लाई करना है, आगे वाले नंबर का रेसिप्रोकल हो जाता है, 3 ऊपर 3 नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या रिमेनिंग रह गया, 1/5, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। फिर है ये देता है 6 अलग अलग कक्षाओं में बच्चों की संख्या नीचे दी गई है, यह आपको एक टेबल दिया गया है ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन डेटा हैंडलिंग से, तो कल क्लास आपके पास में होगी 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये कुल 6 क्लासेज आपको दे दी, इनमें आने वाले बच्चों की संख्या आपको दे दी गई है और इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बताना है, क्वेश्चन नंबर 69 से लेके 71 तक। अधिकतम और न्यूनतम बच्चों की संख्या के मध्य अंतर, तो सबसे ज्यादा देखो मैक्सिमम और मिनिमम है, तो मैक्सिमम देखो सबसे ज्यादा मैक्सिमम कितने हो गए, 400 हो गए आपके पास में, और मिनिमम से मिनिमम कितने हो गए, 200, 200, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 400 - 200 = 200, तो इसका तो ऑप्शन हो जाएगा ये, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित संबंधित प्रश्नों की, अच्छा कितनी कक्षाओं में बच्चों की संख्या 100 से अधिक है, तो देखो 100 से ज्यादा किस किस क्लासेस में है, तो 100 से ज्यादा इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी, तो सभी कक्षाओं में क्या है, 100 से ज्यादा बच्चे हैं, तो क्लासेस कितनी हो गई, 3 और 3 6 क्लासेस हो गई, तो आंसर क्या हो जाएगा, 6। फिर नेक्स्ट है इसका, कक्षा 6 और 11 के बच्चों की संख्या का अनुपात है, तो यहाँ पर आपको रेशियो पूछा है 6 to the 11, तो देखो 6 में 6 का रेशियो बताना है 11 क्लास के साथ में, तो 6 में देखो कितने बच्चे हैं, 400, रेशियो 11 क्लास का 11 में है 200, तो देखो 00 से 00 कैंसिल हो जाएगी, तो 4:2, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 = 4 और 2 1 = 2, तो 2:1, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट 72, यहाँ पर एक स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है 1/4 of n is 3 more than 2, n का 1/4 2 से कितना अधिक है, 3 अधिक है, तो 1/4 of n, तो 1/4 of n is 3 more than 2, यानी कि इट इज इक्वल्स टू 3 more than 2, 2 से 3 अधिक है, तो ये हो गया 1/4 multiply by n हो जाएगा, तो ये हो गया
एन बाई फोर इक्वल्स टू थ्री प्लस टू। तो अब इसको देखो यहाँ पर दिया गया क्या, बिल्कुल नहीं है, एन बाई फोर माइनस टू है, तो देखो टू को इधर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, एन बाई टू माइनस टू इक्वल्स टू थ्री है क्या, बिल्कुल है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका क्या बताना है, एक हल बताना है, रूट बताना है, सॉल्यूशन बताना है, तो इसको आप सॉल्व करोगे, थ्री पी माइनस टू इक्वल्स टू फोर है, तो थ्री पी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा फोर, टू इधर आएगा तो प्लस में टू कितना हो गया सिक्स, तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी सिक्स डिवाइड बाई थ्री, थ्री टू जा सिक्स, तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी टू, ऑप्शन नंबर थ्री। फिर है एक स्वंदीबाहु त्रिभुज में, स्वंदीबाहु का मतलब क्या हुआ, आइसोसेल ट्राइंगल है, तो आइसोसेल ट्राइंगल का मतलब क्या हुआ, जिसमें दो साइड कैसी होंगी, बराबर होंगी, आधार कोण यानी कि आधार पे बना हुआ, ये एक कोण मान लिया कितने डिग्री का है 50 डिग्री का है, तो शीर्ष कोण का माप, तो ये 50 का है तो ये भी कितने का होगा 50 डिग्री का, क्योंकि आइसोसेल है तो बेस के ऊपर बनने वाले जो दोनों एंगल है यानी कि जो दोनों साइड बराबर है उनके सामने वाले जो एंगल है वो भी कैसे होंगे, बराबर होंगे, तो ये 50 का दिया हुआ है तो दूसरा भी कैसा होगा 50 का होगा। अब ये शीर्ष एंगल यानी कि वर्टेक्स एंगल आपको पूछा है, तो वर्टेक्स एंगल क्या हो जाएगा, अब देखो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे, त्रिभुज में कितने का होता है 180 का, टोटल कितना ये दे दिया 100 डिग्री, तो 50 प्लस 50 100 डिग्री, तो 180 में से 100 को माइनस कर लो कितना बच गया 80 डिग्री बच गया, तो जो शीर्ष एंगल है वो कितने डिग्री का जाएगा 80 डिग्री का जाएगा, ऑप्शन नंबर टू इसका सही हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 75, निम्नलिखित कोणों में से कौन सा युग्म पूरक है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री आपको बताना है कि कॉम्प्लीमेंट्री, अब कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, पूरक का मतलब क्या होता है, कि ऐसे एंगल जिनका सम कितना होता है 90 डिग्री होता है, कितना 90 डिग्री, तो देखो यहाँ पर 120 और 160 ये तो 180 हो गया ये नहीं जाएगा, 55 प्लस 45 कितने हो गए ये हो गए 100 डिग्री, तो ये भी नहीं होगा, ये हो गया 90 और ये हो गया 10, ये 80 हो गया, ये हो गया 60 डिग्री और ये 30 डिग्री, तो दोनों का सम कितना हो गया 90 डिग्री, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, जब दो कोणों की मापों का योग 180 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री होता है तो देखो वो तो हो जाता है कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री, और 180 डिग्री हो जाता है तो उसको अपन क्या कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण या फिर सप्लीमेंट्री एंगल, ये इसका हो जाएगा सही। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, अब देखो पहला कहता है कि दो आसन कोण पूरक हो सकते हैं, तो दो आसन कोण है यानी कि आपके एडजेसेंट एंगल पूरक हो सकते हैं बिल्कुल, उनका जो सम है 90 डिग्री हो सकता है, दो आसन कोण संपूरक नहीं हो सकते, तो अपन देखते हैं क्वाड्रिलेटरल्स में पैरेललोग्राम की बात करेंगे समांतर चतुर्भुज की, तो वहां पर जो दो आपके एडजेसेंट एंगल होंगे वो संपूरक होते हैं यानी कि 180 डिग्री का बनता है, यहाँ पर जब हम देखते हैं ये एंगल और ये एंगल इन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो ये गलत हो गया, एक न्यून कोण और एक अधिक कोण आसन नहीं हो सकते, तो देखो यहाँ पर एक न्यून कोण है और एक अधिक कोण है, तो वो भी बात गलत हो गई, दो समकोण आसन कोण नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं, अगर मैं राइट एंगल उसकी एक आयत की बात करें रेक्टेंगल की बात करें तो यहाँ पर भी 90 डिग्री होता है, यहाँ पर भी 90 डिग्री होता है, तो ये यहाँ पर भी क्या है एक एडजेसेंट एंगल है, तो टू राइट एंगल भी क्या हो सकते हैं एडजेसेंट हो सकते हैं, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन जाएगा कौन सा जाएगा, ऑप्शन केवल फर्स्ट है जो कि क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा, ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 78, AOB और BOC है, तो देखो यहाँ पर AOB तो ये तो हो गया आपके पास में 180 डिग्री का, और BOC इसके बारे में मालूम नहीं, अब इन दोनों के बीच में रिलेशन पूछा है, तो देखो ना तो ये पूरक कोण है, ठीक है, ना ही ये संपूरक, अगर पूरक होते तो ये एंगल और ये एंगल की बात करता तब ये क्या हो जाते संपूरक हो जाते, ठीक है, तो ये संपूरक भी नहीं है, आसन कोण यानी कि एक दूसरे के ये पड़ोसी भी नहीं है, क्योंकि ये तो एक कंप्लीट एंगल है और एक इसमें से कुछ पार्ट है, तो ये तीनों ही ऑप्शन नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग्म संगत कोण नहीं है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल पूछता है, तो ये दो पैरेलल लाइन आपके पास में है, एक ट्रांसवर्सल इसको काटती है, तो आपको बताना है संगत कोण कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, तो देखो 1 और 5 कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे, 2 और 6 कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे, तो 1 5 है, 2 और 6 भी है, 3 और 7 भी है, और 4 और 8, तो यहाँ पर ऑप्शन दे दिया 3 और 5 का, तो 3 और 5 ये होते हैं अल्टरनेट एंगल, आंतरिक एकांतरीय कोण, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल नहीं है। ठीक,
ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 80 है, आकृति में 1 + 2 + 3 = 230 है, 1, 2 और 3 इन तीनों का सम मिला के कितना बता दिया 230 डिग्री, तो एंगल 4 का माप है, इसका पूछा है, तो देखो कंप्लीट एंगल कितने का बनता है 360 का, ये 3 बता दिए 230 का, तो ये क्या बच जाएगा 360 में से आप किसको माइनस कर दोगे 230 को, तो कितना बन जाएगा 130 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ठीक है। 360 में से 230 को माइनस करोगे तो 130 बनेगा, ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, निम्नलिखित आकृति में x का मान है, x का मान बताना है यदि l पैरेलल टू m, तो l और m क्या है पैरेलल है, तो ये एंगल x है, तो ये एंगल भी कितना होगा x होगा, संगत कोण है, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये x है, तो ये भी कितना होगा x के बराबर होगा। अब ये देखो लीनियर पेयर बन रहा है, एक लाइन के ऊपर बनने वाले एंगल, इनका सम कितना होता है 180 डिग्री, तो 120 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, x का मान निकालना है, तो 180 में से क्या कर देंगे 120 को माइनस कर दो, तो कितना बन गया 60 डिग्री, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 60 डिग्री। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 82, एक त्रिभुज की कितनी माध्यिकाएं हो सकती है, माध्यिकाएं यानी कि एक त्रिभुज है, माध्यिका यानी कि इसका मिड पॉइंट ये है मध्य बिंदु, सामने वाले वर्टेक्स से मिलाओगे एक माध्यिका, ये होगी दूसरी माध्यिका और ये हो गई तीसरी माध्यिका, तो केवल और केवल कितनी माध्यिकाएं होती हैं 3 माध्यिकाएं हो सकती हैं। फिर है नेक्स्ट 83, एक समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, प्रत्येक कोण का माप कितना होता है, समबाहु है ना, सभी का एंगल कितना होगा बराबर बराबर जाएगा, ये एक्स है, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, एंगल सम, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 180, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 से भाग कर दोगे कितना जाएगा 60 डिग्री, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, गलत स्टेटमेंट आपको बताना है, कौन सा फॉल्स है, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की लंबाइयों का योग तीसरी भुजा से कम होता है, बिल्कुल द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज लेस देन द थर्ड साइड, तो देखो जब भी आप बात करेंगे ना ट्रायंगल की, तो उनमें तीन भुजाओं में जैसे कि मैंने कह दिया ये है 2, 3 और ये 5, ठीक है, ये अपन यहाँ पर प्रॉपर्टी पढ़ते हैं ट्राइंगल्स में, तो दो भुजाओं का जो योग है वो तीसरी से क्या होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या कहता है कि नहीं त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाइयों का योग तीसरी भुजा से कम है, तो ये यहाँ पर क्या कह दिया कम कह दिया। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण पर वर्ग बराबर पादों पर वर्गों का योग, तो समकोण त्रिभुज पाइथागोरस थ्योरम की बात करेगा, ये हो गए इसके दो आर्म्स, ठीक है, और ये इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल हो गया, और ये हो गया इसका हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर क्या होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो बिल्कुल बात करेक्ट है, कर्ण पर वर्ग बराबर पादों पर वर्गों का योग, ठीक है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑन द लेग्स। फिर कहता है यदि पाइथागोरस गुण धारण करता है, इफ पाइथागोरियन प्रॉपर्टी होल्ड्स द ट्राइंगल मस्ट बी राइट एंगल, अगर पाइथागोरस प्रॉपर्टी है तो ट्राइंगल कैसा होगा राइट एंगल ट्राइंगल होगा, तो ये भी सही है, ये भी सही है। एक आयत पर विकर्ण अपने आप में वही क्षेत्रफल पैदा करता है जो उसकी लंबाई और चौड़ाई से उत्पन्न होता है, डायगनल ऑफ अ रेक्टेंगल, तो यहां पर देखो ये हो गया आपका रेक्टेंगल, ये हो गया इसका डायगनल, तो जैसे जैसे डायगनल बढ़ेगा तो डायगनल बढ़ेगा तो इसकी ये भी आपके पास में बढ़ेगी, तो क्षेत्रफल में वृद्धि होती रहेगी, ठीक है। तो किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाइयों का योग तीसरी भुजा से क्या होता है कम होता है, तो वो बात क्या हो जाएगी आपकी गलत हो जाएगी, तो यहां पर क्या कहता है स्टेटमेंट दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, तीसरी भुजा के कम होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका फर्स्ट हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट x और y का मान यदि ये आपको दिया है x माइनस y माइनस 10 डिग्री, ठीक है, तो ये आपको बताना है, तो ये देखो x y ये हो गए इसके अंदर के कोण और ये होगा इसका बाह्य कोण, तो ये बाहर वाला जो एक्सटीरियर एंगल है अंदर वाले अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है, तो x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 120 डिग्री, तो आपको क्या बताना है x माइनस y माइनस 10 डिग्री आपको दिया गया है, ठीक है, तो x माइनस y ये यहां पर बराबर होगा है ना, x माइनस y बराबर कितना है 10 डिग्री है, और x प्लस y बराबर कितना हो गया आपके पास में 120 डिग्री, तो अब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो x प्लस x कितना हो गया 2x, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये y से y कैंसिल हो जाएगा,
और 10 और 20 कितने हो गए, 10 और 120 130, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 130 में 2 का भाग दोगे 65 डिग्री, तो x बराबर देखो 65 कहाँ कहाँ पर है, तो यहाँ पर हो जाएगा 65 डिग्री, और दूसरा कितना आएगा 55 डिग्री का आएगा क्या, तो आप चेक कर लो दोनों का सम कितना है, 120 डिग्री है ना, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 120 में से x को माइनस कर दो, तो 65 को माइनस करोगे तो कितना जाएगा 55 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट चला जाएगा, यहाँ पर है x माइनस वाई बराबर 10 डिग्री। नेक्स्ट है, किसी त्रिभुज की भुजाओं की निम्नलिखित लंबाइयों में से किस स्थिति में त्रिभुज बढ़ाना संभव है, अभी अभी अपने पास में एक क्वेश्चन आया था, तो 3 + 4 करके देखो, 3 और 4 7, 7 के बराबर हो गया, ज्यादा अपने को चाहिए, तो 2 + 3 5 होता है, ठीक है, तो इसे कम हो गया, 3 + 4 कितना हो गया 7, 5 से ज्यादा हो गया, 5 + 4 9, 3 से ज्यादा हो गया, और 5 + 3 8, 4 से ज्यादा हो गया, तो इस स्थिति में त्रिभुज बनाना संभव है। त्रिभुज एबीसी में सबसे लंबी भुजा कौन सी है, और यदि जिसका कोण बी पर समकोण है, एक एंगल दे दिया बी, बी के ऊपर समकोण है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना, तो राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, हाइपोटेनियस, ठीक है। अब ये कहता है ये ए बी सी बनाना है, तो ये हो गया ए बी, और इसको कह दिया अपन ने सी, तो हाइपोटेनियस कौन सी बन गई आपकी, ए सी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए सी। त्रिभुज के एक शीर्ष को विपरीत भुजा के मध्य बिंदु से जोड़ती है, ठीक है, एंड कनेक्ट अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू द मिड पॉइंट, अगर एक वर्टेक्स दूसरी साइड के उसके सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से मिलती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मीडियन, क्या कहते हैं, मीडियन, ये हो जाएगा माध्यिका, ठीक। फिर हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन 89, 10 रुपए से 50 पैसे का आपको अनुपात निकालना है, रेशियो निकालना है, तो 10 रुपए अनुपात 50 पैसे, तो ये देखो 50 पैसे है ना, ये रुपए में है, इसको पैसे में कन्वर्ट करो, तो 1 रुपए में 100, तो 10 में कितने हो जाएंगे 1000, और 50 के साथ में रेशियो निकालोगे, 5 से ये 0 से 0 गया, 5 से ये 100 चला जाएगा 20 बार, तो 20:1, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 3 लिफाफों का मूल्य, कॉस्ट ऑफ 3 एनवलप्स, तो 3 लिफाफों का मूल्य कितना दे दिया, 15 रुपए, तो 1 लिफाफे का कितना हो जाएगा 15/3 यानी कि 5 रुपए, 5 लिफाफों का पूछ लिया, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 × 5 = 25, कितने रुपए हो जाएंगे 25 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 91, 5/2 है, इसको परसेंट के रूप में लिखना है, परसेंट की फॉर्म में लिखना है, तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर दोगे 100, तो ये हो गया 500/2, तो 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 250%, तो आंसर हो जाएगा इसका 4, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, देखो क्या कहता है, 25 छात्रों में से 5 अनुपस्थित थे, यानी कि प्रेजेंट बच्चे आपके पास में कितने हैं, 5 अनुपस्थित हो गए, तो प्रेजेंट हो गए 20, और अब्सेंट कितने हो गए, अब्सेंट हो गए 5, कितने प्रतिशत छात्र अनुपस्थित हैं, यानी कि इनको प्रतिशत की फॉर्म में बताने हैं, तो कितने में से अब्सेंट है 25 में से, परसेंट के लिए क्या कर दोगे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 25 से 100 चला जाएगा 4 बार, और 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 20, यानी कि 20% जो छात्र हैं वो क्या है, अनुपस्थित हैं, तो 20% स्टूडेंट्स आर अब्सेंट। नेक्स्ट देखो 93, 2008 में छात्रों की संख्या कितनी है 1000, तो 2008 में तो कितनी दे दी 1000 है, 2009 में कितनी हो गई 1100 हो गई, प्रतिशत वृद्धि बताओ, यानी कि अब 2008 से 2009 में कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है, तो देखो यहाँ पर कितने इंक्रीज हुए, 1000 से कितने बढ़ गए 1100 गए, यानी कि 100 की वृद्धि हुई है, कितने में से हुई है 1000 के ऊपर हुई है, तो पिछले वाले साल की देखी जाएगी, और परसेंट के लिए क्या कर दोगे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 3 0 से 3 0 आप कैंसिल कर दो, कितना बच गया 10, यानी कि 10% की वहां पर क्या हो गई, परसेंट इंक्रीमेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप 94, इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹2500, इसके ऊपर क्या बताना है आपको, इंटरेस्ट बताना है फॉर 4 years एट द इंटरेस्ट रेट 4% इज, अब 4% के ऊपर बताना है, सिंपल इंटरेस्ट है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है PRT डिवाइड बाय 100, तो प्रिंसिपल आपके पास में कितना हो गया 2500, रेट आपके पास में कितनी हो गई 4%, टाइम कितना हो गया 4, और डिवाइड बाय 100 कर दोगे तो 0 से 0 चला गया, 25 × 100, और 100 को 4 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 400 रुपये उसका इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, राहुल ने
25% छूट प्राप्त करने के बाद 20 रुपए बचाए, ठीक है। डिस्काउंट मिला कितने का? 25% का, ठीक है। और 25% का छूट मिलने के बाद में उसको कितने रुपए बचाए? उसने 20 रुपए बचाए। छूट से पहले स्वेटर का मूल्य क्या था? तो हम मान लेते हैं कि भाई एक्स था, एक्स के ऊपर कितने परसेंट का देता है? 25% का। तो 25% यानी 2500, 25x/100 और इक्वल्स टू कितने रुपए बचाए? तो ये तो क्या आ जाएगा, उसका वैल्यू। अब 20 रुपए बचाए हैं तो x में से आप डिस्काउंट को माइनस करोगे ना, तो डिस्काउंट में से माइनस करोगे तो ये आपके पास में क्या आ जाएगी? वैल्यू, ठीक है। और आपके पास में यहां पर रिलेशन दिया हुआ है कितना? 20 रुपए बचाए। उसने कितने रुपए बचाए? 20 रुपए, यानी कि 25% की वैल्यू किसके इक्वल है? 20 रुपए के इक्वल है। तो यहां पर, यहां से आप x को हटा देना है, क्योंकि x में से अगर 25% हटाते हो तो ये तो हो गया कि भाई उसकी वैल्यू क्या हो गई जो स्वेटर वो लेके आया था, तो स्वेटर का मूल्य बताना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 20 रुपए दिए हुए हैं तो यहां से रिलेट करोगे तो ये इक्वल्स टू 20 रुपए कब होगा? ये है 25% की छूट के बाद में 20 रुपए बचाए, यानी कि 25% का मान कितना हो गया? 20 रुपए हो गया। तो यहां से देखो इसकी वैल्यू निकालोगे तो 25x/20 × 100, 25 से 100 चला जाएगा 4 बार, तो x बराबर कितना हो गया? 20। तो x की वैल्यू कितनी हो जाती है? ठीक है, 20 हो गई, यानी कि जो उसने बचाए थे वो 20 रुपए आपके पास में आ जाते हैं। सॉरी, ये 4 है ना, 25x/100 बराबर कितने हो गए? 20 रुपए, ठीक है। तो 25 से 100 चला जाएगा 4 बार, तो x बराबर कितना हो गया? 20 × 4 मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? x की वैल्यू कितनी हो गई? 80 रुपए हो गई। तो ये हो गया उसका आंसर। तो स्वेटर का मूल्य क्या था? 80 रुपए थे। फिर है अनुपात की इकाई होती है, तो देखो रेशियो की कोई भी इकाइयां नहीं होती है, अपन सीधा कहते हैं 3:1, 1:2, तो इनकी जो भी यूनिट्स है वो कुछ भी नहीं होती है, यूनिट से यूनिट यहां पर कैंसिल हो जाती है, तो आंसर क्या हो जाएगा? कोई भी इकाई नहीं होती है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, क्या कहता है कि भिन्न एक परिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या क्या है? तो देखो भिन्न एक परिमेय संख्या होती है, एक फ्रैक्शन, एक रेशनल नंबर होता है। फिर कहता है कि रेशनल नंबर क्या है? कभी भी भिन्न नहीं हो सकता, कैन नेवर बी अ फ्रैक्शन, तो देखो रेशनल नंबर है, ठीक है। तो रेशनल नंबर आपके पास में होता है p अपॉन q की फॉर्म में, ठीक है, और ये q की वैल्यू 0 नहीं होगी, तो कैन नेवर बी अ फ्रैक्शन। तो जो रेशनल नंबर है वो अपने आप में फ्रैक्शन भी होता है, ठीक है, लेकिन हमेशा हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे कि रेशनल नंबर, एक मैंने नंबर लिख दिया 2, तो ये क्या है? आपका रेशनल नंबर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रेशनल नंबर ये फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है। फ्रैक्शन की फॉर्म में क्यों नहीं है? क्योंकि इसके डिवाइड में यहाँ पर कुछ ना कुछ होना चाहिए था, 1 के अलावा ये कंप्लीट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा, मे और मे नॉट बी अ फ्रैक्शन। यहीं पर ही बात आ गई अपनी कि भाई ये फ्रैक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो परिमेय संख्या यही है, ये एक परिमेय संख्या है, साथ ही साथ ये क्या है, एक यहाँ पर भिन्न की फॉर्म में नहीं है, इसीलिए अपना आंसर क्या हो जाएगा? एक भिन्न हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, इस फॉर्म में हो जाएगा। जैसे कि मैंने लिख दिया 1/2, तो ये रेशनल नंबर है तो ये फ्रैक्शन भी है, ठीक है। अब ये आ गया तो ये रेशनल भी है लेकिन फ्रैक्शन नहीं है, तो आंसर क्या चला जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 98, निम्न दिए गए चरणों का अध्ययन करो। तो ये चरणों का अध्ययन करना है और यहाँ पर आपको एंगल पूछ रहा है कि लास्ट में इस एंगल का क्या माप होगा। तो देखो क्या क्या कहता है, ड्रॉ एन रे ओ ए, तो एक ओ ए रे अपन ने ड्रॉ कर ली, ये हो गया ओ और इसको कह दिया ए। फिर कहता है कि विद ओ एज अ सेंटर एंड रे एंड एनी कन्वीनियंट रेडियस ड्रॉ एन आर्क एम एन। तो यहाँ पर ओ के ऊपर अपन ने प्रकार रखा और एक ये आर्क काट दिया जो यहाँ पर इसको एम के ऊपर काटेगा और इधर अपन ने क्या लिख दिया, इसको एन के दिया। फिर उसके बाद में क्या कहता है, एम एज अ सेंटर इन द सेम रेडियस कट एम एन एट पी, यहाँ पर रखोगे तो पहला जो आर्क जाएगा वो कितने डिग्री का जाएगा? 60 डिग्री का, ये हो गया इसका काम। फिर कहता है विद पी एज अ सेंटर, ये पी आ गया तो पी के ऊपर आप प्रकार रखोगे, सेम रेडियस कट एन आर्क एट एम एन एट क्यू, तो एम एन के ऊपर एक और दूसरा आर्क जाएगा वो हो जाएगा क्यू, ठीक है। और अपने को मालूम है ये 120 डिग्री का आर्क होता है। अब कहता है ड्रो ओ क्यू एंड प्रोड्यूस इट टू डी, ओ और क्यू को मिलाते हुए आपको एक रे ड्रो करनी है और उसको क्या कह दिया, एट डी, तो डी तक चला गया। अब क्या कहता है कि एंगल ए ओ डी बन गया, ए ओ और ये डी, ये एक एंगल आपके पास बन गया, ये एंगल का मेजरमेंट कितना होगा? 120 डिग्री। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए ओ डी, तो आपका आंसर क्या चला जाएगा? 120 डिग्री, 120 डिग्री।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 निम्नलिखित आकृति का परिमाप, इसका पेरीमीटर बताना है। तो देखो यहाँ पर ये हो गया आपके पास में हाफ सर्कल, ठीक है, सेमी सर्कल हो जाता है, ठीक है। तो पूरे सर्कल का पेरीमीटर होता है 2πr, आधे का क्या हो जाएगा πr, फिर प्लस ये भी डिस्टेंस आपको करनी है, ये 7 सेंटीमीटर की है तो ये भी 7 सेंटीमीटर की, टोटल कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। तो प्लस कितना कर दोगे 14, पाई की वैल्यू होती है अपने पास में 22/7, रेडियस आपके पास में 7 सेंटीमीटर दी हुई है और प्लस करना है 14, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, कितना बच गया 22 प्लस 14, दोनों को ऐड करोगे आंसर कितना आ जाएगा 36 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट 100, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वैल्यू ऑफ पाई, तो इनमें से पाई की वैल्यू कौन सी नहीं है, तो 22/7 है, 355/113 भी अपन यूज करते हैं और ये है 3.14, तो बच गया क्या ऑप्शन नंबर 2, ये पाई की वैल्यू नहीं होती है। तो ये थे बेटा अपना वीडियो सॉल्यूशन फॉर द क्लास 7, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।